शुरू रहे, चालू है। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत आज से। अब कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, सारी बातें होंगी। पहले निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। अपन को मिल गया, चलो बैठ जाओ भाई। तो नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का रहेगा स्टेशन में और गाड़ी के डिब्बो में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें, अन्यथा पकड़े जाने पर दंड। सीरियसली काफी लोगों को पता नहीं है, मैं आ चुका हूँ महादेव की नगरी वाराणसी में। महादेव की नगरी में आपका स्वागत है। क्या नाम है? नहीं पता, गोदवाली रोड। तो पहला डेस्टिनेशन जो है अपना वो रहेगा गोदवाली रोड का, उसके बाद वहाँ से सीधा घाट की तरफ। भाई वो वाइब तो अपनी आ ही रही है बनारस से, हर जगह पे देख लिया है। और वो एक अरोमा होता है ना देवभूमि का, वो अरोमा भी सेम है। ब्रिटिश एयर की ये एक काफी यादगार ट्रिप रहेगा मेरा। ओके, सो हम पहुंच गए रूम पे अपने, और ये है हमारा रूम। पता है थोड़ा मेसी है, देख लो भाई इसको भी देख लो, तैयार भी घूम रहे हैं। पढ़ा है थोड़ा सा मेसी है, तो तैयार होते हैं उसके बाद मिलते हैं। चलो, सो हम हो गए रेडी। आज का सो कॉल्ड लुक यही है अपन पहने हुए, पीले रंग का कपड़ा दोनों के दोनों मैचिंग पहन रहे। तो चलते हैं बाहर, एक्सप्लोर करते। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः।
काफ़ी ज़रा एक पॉजिटिव एनर्जी प्लस शांति जो फील होती है देवभूमि में आके, सिर्फ इसी नहीं किसी भी देवभूमि में जाके, मेरे को चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, और मैं बनारस दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरे को वही सेम पॉजिटिव वाइब जो सो कॉल्ड जेंजी का लैंग्वेज है अच्छा लगता है डेफिनेटली। एक शांति के लिए जगह यहाँ पे सबका वेलकम है बनारस, और स्वर्ग देखना है ना अगर दिखाता हूँ ऐसा स्वर्ग जो शायद काफी लोगों को नसीब भी ना, और जिन्हें वो नसीब हुआ है हम उनमें से। बनारस आने के बाद हमें कहना ही पड़ेगा कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आपका स्वागत विश्वनाथ कॉरिडोर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, और दोनों तरफ कि इस साइड अपना मंदिर है और इसी के सीधा अगर देखें तो अपना निकल जाता है सबसे पावन घाट यानी कि मणिकर्णिका घाट। तो हमारे दोनों ही पूरे हो चुके हैं, हमने दर्शन भी कर लिया और हमने भारत का सबसे पावन घाट भी देख लिया। कहते नहीं हैं कि अगर यहाँ पे इंसान की मृत्यु होती है और यहाँ पे इंसान का मोक्ष होता है तो इंसान को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको सीधा स्वर्ग मिलता है। तो यहाँ जलने के लिए भी किस्मत चाहिए, यहाँ जलने के लिए भी अपने पुण्य चाहिए। और जो मुझे कह रहे हैं ना कि छठ व्यस्त हो गया, छठ खत्म हो गया, छठ में नहीं गया, छठ नहीं इंजॉय कर रहा है, भाई रुको यार दिखाता हूँ बनारस की छठ।
और अभी हमें सबसे प्राचीन और सबसे पावन घाट दशाश्वमेध घाट है। और अगर आपको समझाऊँ तो ये वो घाट है जहाँ पे गंगा आरती होती है, अलग ही नज़ारा है। और चलो दिखाते हैं। देखो मुझे यहाँ कौन मिला, माँ यहाँ भी मेरा पीछे आ गई। मतलब कहता हूँ ना कि मेरा साथ कभी छोड़ती नहीं, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। यही एक कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरे को अपने बच्चे की तरह ध्यान रखती है। यहाँ पे मेरे को इनका कहीं रूप नहीं मिला, मुझे यहाँ मिल गई। चल इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। आई होप अच्छा लगा होगा, मेरे को भी मज़ा आया इसको, अच्छा लगा रे, काफ़ी काफ़ी बढ़िया था। बाय। नाकामयाबी का चपड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सबर लगता है अकेला, तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहाँ पे जी